नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। और SPN9 न्यूज़ में इस वक्त की बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के पार्षद की बेरहम से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पेचकश से गोद गोद कर पार्षद को मौत के घाट उतार दिया। कांग्रेसी पार्षद की हत्या राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के थाना क्षेत्र में ही हुई है। फिलहाल पार्षद की बेरहमी से कत्ल की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने 11 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्षद सूरज बंछोर हथखोज इलाके में देर रात तक जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ था। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि हथियारों ने कांग्रेसी पार्षद की पेचकश व अन्य हथियारों से वार कर जान ले ली। दुर्ग शहर एडिशनल SP संजय ध्रुव ने बताया कि घटना बीती रात की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारी समेत पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जांच के दौरान 11 आरोपियों को हिरासत में लिए गए। हत्या की वजह का भी कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से यह मामला बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी ने ये हमला किया है। अब देखना क्या होगा और जांच आने के बाद क्या पता चलता है कि किस पार्टी ने इस हमले को अंजाम दिया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।